नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव, एक और न्यू अपडेट आपके लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कोई भी नया अपडेट आता है मैं आपको जरूर देता हूँ। यह अपडेट ग्रह का और नक्षत्र का होता है। तो मंगल देव कृतिका में कर चुके हैं प्रवेश। यद्यपि इसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज हो रहे हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं कि आप वृश्चिक में इतने वीडियो क्यों बनाते हो। खैर, कोई टेंशन नहीं। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ठीक है, लोगों की अपनी इच्छा है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंगल महाराज आपके राशि आपके लग्नेश छठवें घर में, और वो कृतिका में प्रवेश कर चुके हैं, कल प्रवेश किए हैं, आज आपको वीडियो लेट मिल रहा है। कृतिका नक्षत्र आप देखें ना, सौर ऊर्जा का मूल स्रोत है। सौर ऊर्जा का मूल जो स्रोत है वो कृतिका नक्षत्र है। कृतिका का मतलब होता है काट के अलग कर देने वाला। कृतिका का मतलब कर्तनी होता है, सिद्ध दात्री या सिद्ध प्रदान कर देने वाली महिला। तो ये कह लीजिए कि ये नक्षत्र सिद्धस्थ नक्षत्र होता है। आप इसका प्रतीक देखेंगे ना तो आग जैसा है। प्रतीक देखेंगे तो तेज तलवार, चाकू, जितने भी विपन बने हैं ना, चाहे K-47 हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे परमाणु बम हो, वो सब यही है। विस्तार होता जा रहा है कंटिन्यू। तो मंगल कृतिका नक्षत्र में सेनापति के हाथ में अगर तलवार है, आप सोच सकते हैं कितनी काट मार होगी। कृतिका नक्षत्र वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बुद्धि पे पड़ी हुई या मन पे पड़ा हुआ अहंकार मैल को काट के अलग कर देता है, ठीक है। सामाजिक कल्याण के लिए विध्वंस की बात करता है। सामाजिक कल्याण के लिए निर्माण होगा, इसलिए पहले विध्वंस किया जाएगा। कृतिका नक्षत्र में ही द्वितीय चरण में जाके चंद्रदेव उच्च के होते हैं। चंद्र मतलब मन का स्वामी। जहाँ पे मन का स्वामी उच्चता प्राप्त करे उसको बोलते हैं कृतिका, ठीक है। या दैत्यों के नाश के लिए है, और कृतिका कार्तिकेय से का रिलेशन बनाता है, और कार्तिकेय कभी हारते नहीं, इसलिए यह नक्षत्र जीवात्मा को पवित्र बना के परमात्मा तक ले जाने की बात करता है, नित्य से अनित्य तक ले जाने का विचार करता है। ज्ञानेन्द्रिय देखिए, कृतिका जो होती है 5 ज्ञानेन्द्रिय, छठवां मन, सतवां बुद्धि, सातवां बुद्धि, 7 चीज़ों को लेके जो सप्त मातृकाएँ बनी है ना, 7 माताओं से बने हैं, उस इन सबको एकत्रित स्वरूप जो है वो कृतिका कहलाता है। तो मंगल महाराज जो है कृतिका में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल आपके राशि से, मंगल आपके लग्न से, इसलिए अब आपके अंदर से आलस्य खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा बीच में मस्ती में थे और आप एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी बहुत हाई रहेगा। आप स्वतः को आगे ले जाएंगे, साथ में अपने साथ काम करने वाले लोगों को आगे ले जाएंगे। आध्यात्मिक पथ पे बढ़ेंगे और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपका विकास होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, छठवें घर में है, शत्रुहंता योग बनाएंगे। छठवें घर में है, कर्जा से अलग कर देंगे। अगर आपका कोई पैसा भी ले रखा है ना तो उसे पैसा मांगे, शत्रुओं से पैसा वसूल लेने का है, अपना मान सम्मान ले लेने का है। तो अगर कोई बहुत दिन से ले रखा है ना, देखिए उधार, हमने एक जगह लिखा हुआ देखा, उधार वो जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे। इसलिए पैसा देने के पहले सोच लीजिए। जब भी मंगल छठवें में हो, मंगल का संबंध खष्टम भाव में हो, तो पैसा कभी मत देना, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। नहीं मन है तो आजमा के देख लो मेरे भाई, पता चल जाएगा। तो कृतिका क्रियाशील कर्मठ नक्षत्र है, अतः अब आपके अंदर क्रियाशीलता बढ़ेगी, कर्मठता बढ़ेगी। कोर्ट में विजय का है, सरकार से काम बनवा ले जाने का है। तो सरकार से कुछ योजनाएँ आपकी चल रही थी तो सरकार से आप काम बना सकते हैं। सरकार के पास कोई फाइल आपकी रुकी थी तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लाभ प्राप्त करेंगे। कृतिका नक्षत्र का जो प्रथम चरण है मेष नवांश में है। ये जब तक मेष में रहेंगे ना, अब यहाँ से आप गति बहुत पकड़ेंगे, आप डरेंगे किसी के बाप से नहीं।
कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा शान सहाबा हो, दो दो हाथ कर लेते हैं। ठीक है, तो कृपया थोड़ा सा धैर्य धारण करिएगा। क्षमा सोहित उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वो क्या जो विनीत दैन्य सरल है। ठीक है, तो आपके अंदर शक्ति है तो आपके अंदर क्षमा की भावना ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने की भावना होना चाहिए। अभया नक्षत्र यहाँ पे आपको कोर्ट में विजय दिलाएगा। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और इस समय आप वकील से बात करो, फटाफट हो जाएगा। कोई ज़मीन का विवाद चल रहा है, थोड़ी सी थमक दिखाइए, फटाफट साल हो जाएगा। कोई पैसा लेके रखा है नहीं दे रहा है, थमक दिखाइए। कोई आप शल्य चिकित्सा में जाना चाहते हैं, फटाफट जाइए, डॉक्टर थोड़ा सा चीड़ा लगाएगा, फटाक से काम करेगा, आगे निकाल देगा। और नक्षत्रों में आर्द्रा वर्द्रा में कोई मत कराइएगा, लंबा खींच देता है, रुला देता है। लेकिन इस नक्षत्र में थोड़ा सा फाड़ेगा और फटाक से आगे निकाल देगा। इस समय ध्यान क्या देना है, इलेक्ट्रिक आइटम में ज़बरदस्ती उंगली नहीं करना है। नहीं जानते हो बिजली ख़राब हुई, चलो बना लेते हैं, मारेगा करंट, सही हो जाओगे। आप अगर तेज़ धारदार हथियार का उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के पहले उसकी विधि सीख लीजिए। नहीं जो सब्जी जो चाकू सब्जी काटता है, उंगली काटने में समय नहीं लगाता। तो तेज़ गति के वाहन, तेज़ गति के हथियार, तेज़ गति का वपन, ये सब बहुत सावधानी से चलाइएगा। इलेक्ट्रिक आइटम या वर्षा का समय है, बारिश हो रही है, आप यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे यहाँ तो खूब हो रही है। ठीक है, तो सावधानी के साथ चलिए। आकाशीय बिजली से भी थोड़ा डर रहता है, तो एक अपडेट है, यहाँ से लेकर 24 तक बेहतरीन योग है। आपके अंदर तम खम रहेगा, जो चाहोगे वो कर ले जाओगे। तो उत्तिष्ट जागृत, उठिए जागे। गुप्त नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, शक्ति अर्जन का पर्व चल रहा है। माता रानी कृपा करें, आप शक्ति अर्जित करें और निरंतर विकास करें। आपके लिए राधे।